हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए ऑफ 30th of June। जो करंट अफेयर्स आपके रहने वाले हैं 30th of June के, एंड इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टार्टिंग जीक्यू भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट न्यूज़ है, RBI जो है उसने महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धरवार्स बैंकिंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है और अलाउ किया है उसे टू ऑपरेट एज NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी की तरह ऑपरेट करने को कहा है। एंड उसका बैंकिंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। किसका किया है? महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धरवार्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट है, RBI जो है उसने पेनाल्टी इम्पोज की है 7 कोऑपरेटिव बैंक्स पे फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स। तो आपको याद रखने हैं कि 7 कोऑपरेटिव बैंक्स पे, नाम देख लीजिए आप, टेक्सटाइल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित लिमिटेड, पनीहती कोऑपरेटिव बैंक, द बिरहमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर पारा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इन सातों बैंक पे ही जो RBI है उसने पेनाल्टी लगाई है। क्या अमाउंट लगाया है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, RBI जो है उसने 30 लाख की पेनाल्टी लगाई है ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक इंडिया फॉर KYC नॉन कम्प्लायंस। सो KYC के नॉन कम्प्लायंस के लिए जो RBI है उसने 30 लाख की पेनाल्टी लगाई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पे। सो ये भी आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पे भी रिसेंटली 30 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है RBI की तरफ से, क्योंकि उन्होंने KYC नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं किए थे, ठीक है। द नेक्स्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है Active.AI के साथ में टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू MSMEs, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो जो फैसिलिटेट कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है Active.AI के साथ में, ठीक है। कोटक जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र, एंड CEO है सुरेश अग्रवाल। नेक्स्ट डे RBI जो है उसने इम्पोज किया है फाइन ऑन ऑल 4 क्रेडिट ब्यूरोज ओवर रूल वायलेशंस। सो 4 क्रेडिट ब्यूरोज पे जो है RBI है उसने इम्पोज किया है फाइन ओवर रूल वायलेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है नेशनल न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, ICC जो है उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 1st of July 2023 को आठ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। सो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ये जो 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है उसे इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। एंड इसकी थीम है अमृतकाल पे जो कि है प्रोस्पैरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। सो ये भी आपको याद रखना है, थीम भी याद रखनी है। एंड इसको चेयरपर्सन करने वाले हैं यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर जो कि हैं अमित शाह, ठीक है। द नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो कनेक्ट कराने जा रही है हैकथन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5G प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। सो 5G प्रोडक्ट्स और उनके सॉल्यूशंस के लिए हैकथन जो है वो कनेक्ट कराया जाना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। द नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसने अप्रूव किया है 6G विजन फ्रेमवर्क। सो 6G विजन फ्रेमवर्क जो है वो अप्रूव किया जा रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से। इन्होंने इंडिया का 6G विज़न जो है वो रिलीज़ किया है, जिसे कह रहे हैं भारत 6G विज़न, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, श्री परषोत्तम रूपाला जो है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप जो कि है रिपोर्ट फिश डिजीज़। और फिश डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर रिपोर्ट करनी है तो उसके लिए रिपोर्ट फिश डिजीज़ करके एक ऐप जो है, मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। द नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है उसे लोकेट किया गया है 33.78 करोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ NSPAAD अंडर द PMSY स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसके अंतर्गत ₹33.78 करोड़ जो है वो लोकेट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को। द नेक्स्ट, इंडियाज रिफाइनरी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करने वाली है 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे से 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2028। सो याद रखिएगा, इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होनी है 5.2 बिलियन से 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2028, ठीक है। द नेक्स्ट है,
एक्सपेंशन होने वाला है गुजरात रिफाइनरी का टू 18 MTPA इज लाइकली टू बी कंडक्टेड कंप्लीटेड इन 2023। द नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जो है वो लॉन्च करने जा रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर अ काउ स्लॉटर एंड चाइल्ड अब्यूज केस। सो जो काउ स्लॉटर होता है यानी कि जो भी जो गाय होती हैं उनका जो है वो स्लॉटर किया जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो चाइल्ड अब्यूज केसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है ऑपरेशन कन्विक्शन। सो याद रखिएगा ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। सो ये लॉन्च किया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है 1000 ईयर्स ओल्ड जैन स्कल्पचर जो है वो फाउंड किए गए हैं फिटेड टू स्लूस नियर हैदराबाद। सो 1000 ईयर्स जैन स्कल्पचर जो है पाए गए हैं हैदराबाद में, ठीक है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड करने वाली है कवर अंडर ECIB स्कीम विद एनहांस्ड कवर ऑफ 90% टू अकाउंट्स। सो 90% तक जो है ये कवर इंक्रीज करने जा रहा है अप टू ₹50 करोड़, ठीक है। देन नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे इन्फॉर्म किया है दैट द क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो जो है गिर गया है टू लो ऑफ 3.9% इन मार्च, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट जो है उसने MOU साइन किया है विद कंप्यूटर स्टोरेज चिप मेकर माइक्रॉन फॉर सेटिंग अप 2.75 बिलियन $ सेमीकंडक्टर। सो ये भी आपको याद रखना है। एंड ये टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे होने वाली है, सानंद में होने वाली है जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। द नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वियना उसका नाम दिया जा रहा है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर 2023। सो वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर 2023 कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो कि है वियना। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली एंड जो मुंबई है उन्होंने सिक्योर किया है 141st पोजीशन। चेन्नई अहमदाबाद एंड बेंगलुरु ने रैंक किया है 144, 147 एंड 148 पोजीशन। सो ये याद रखना है आपको कि मोस्ट लिवेबल सिटी में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना एंड न्यू दिल्ली एंड मुंबई की जो पोजीशन है दैट इज 141st। चेन्नई अहमदाबाद एंड बेंगलुरु की है 144, 147 एंड 148 रिस्पेक्टिवली। द नेक्स्ट LIC हाउसिंग फिनांस लिमिटेड जो है उन्होंने अपॉइंट किया है त्रिभुवन अधिकारी को एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किन्हें बनाया गया है, LIC हाउसिंग फिनांस लिमिटेड का त्रिभुवन अधिकारी जो है उन्हें बनाया गया है। द नेक्स्ट RBI ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ AP होता एज फेडरल बैंक पार्ट टाइम चेयरमैन। सो फेडरल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, AP होता को बनाया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट IPS ऑफिसर जो कि हैं अजय भटनागर उन्हें अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI। सो CBI के स्पेशल डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है, IPS ऑफिसर जो कि हैं अजय भटनागर। देन नेक्स्ट आपका आता है इंडियन नेवी जो है वो लॉन्च करने जा रही है पावरफुल एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल जो कि है INS अंजदीप। सो INS अंजदीप करके एक पावरफुल एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है उसे लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। देन नेक्स्ट है इंडियन नेवी जो है उसने लॉन्च किया है 4 ship ऑफ सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट जिसका नाम है संशोधक, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट एवर 100% डाइमिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर फॉर सस्टेनेबल ऑन एंड ऑफ रोड यूजेस। तो याद रखना है आपको 100% डाइमिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है इंडिया की तरफ से एंड ये फर्स्ट ऐसा ट्रैक्टर होने वाला है। सो दीज आर टॉप करंट अफेयर्स जो कि हमने डिस्कस कर लिया आप सभी के साथ में। ये करंट अफेयर्स थे आपके 30th of June के एंड इसके साथ साथ हमने स्ट्रैटेजी को भी कवर कर लिया जितना पॉसिबल हो सकता है। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।